नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल के सीएम पद पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, करोड़ों का घोटाला करती है, जनता के भरोसे को तोड़ती है और सीधे सीधे यहाँ पर जो योजनाओं का पैसा है उसे अपने चुनावी फंड के लिए इस्तेमाल करती है और ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल को नहीं रहना चाहिए, जल्द से जल्द उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। ये फटकार लगी है RRTS प्रोजेक्ट को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है। केजरीवाल सरकार को अल्टीमेटम देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक हफ्ते में वो पूरा का पूरा जो भुगतान है RRTS योजना को लेकर वो कर दे, वरना केजरीवाल सरकार के विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी और विज्ञापन का जो बजट है वो सीधे सीधे उसका पैसा RRTS योजना में दे दिया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर ही वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये बयान सीधे सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक फटकार है और ऐसे में मैं मांग करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा दे दे। जानकारी दे दे, इससे पहले अरविंद केजरीवाल से उनके इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी से मनोज तिवारी, सुधांशु त्रिवेदी और यहां पर अनुराग ठाकुर भी कर चुके हैं। प्रदूषण के मामले को लेकर हो या शराब घोटाले को लेकर हो या फिर यहां पर महिलाओं के साथ लगातार हो रहे यहां पर मामलों को लेकर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या वाकई में अब मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? जिस तरह से बीजेपी बार बार केजरीवाल सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, यहां पर उपराज्यपाल से भी लगातार विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है केजरीवाल सरकार का मुख्य सचिव नरेश कुमार के विवाद को लेकर। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में चौतरफा घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आ सकते हैं। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।